हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं सुशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हैं और चार्ट पर भी हम किस तरह से उसे अप्लाई करना ये भी सीख रहे हैं। कल का जो वीडियो हमने स्विंग ट्रेडिंग पर बनाया उस पर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए मैं आप सभी व्यूअर्स का और सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। दोस्तों, अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो गई है, किस तरह से मनी मैनेजमेंट करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरह से आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है, इसके बारे में भी एक अंदाज़ा आ गया है, क्योंकि बिरला शॉप का मैंने जो एक वीडियो डाला है आपको बिरला शॉप के रिजल्ट के बाद, उसके बाद आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें एक अच्छे स्टॉक को चूज़ करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम गड़बड़ी में किसी के कहने पर एक ऐसा स्टॉक खरीद लेते हैं, कंपनी तो अच्छी होती है लेकिन उसका जो दौर चल रहा होता है वो कुछ खासा अच्छा नहीं होता है, शायद फ्यूचर में जाके वो दौर ठीक भी हो जाता है, लेकिन तब तक हमें वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है और वो इंतज़ार कभी कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी हो सकता है, इसमें हमारा पूरा का पूरा कैपिटल भी अटक सकता है। ये सिचुएशन आपके साथ अगर हुई है तो प्लीज़ उसे कमेंट में मुझे डाल दीजिए, और अगर आपके साथ नहीं हुई है और आप इस सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे जिन्हें हमें इन्वेस्ट कुछ दिनों के लिए तो नहीं करना है, क्योंकि अगर अब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम अदर अपॉर्चुनिटीज गंवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन फ्री कोर्स, तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाइए और आप हर एक चैप्टर देख के उसे अलग अलग चार्ट पर आजमाइए, सीखिए। साथ ही साथ कैंडलस्टिक एनालिसिस का कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप वो भी सीख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अभी एक क्वार्टर ख़त्म हुआ है सितंबर का, और अभी कंपनीज के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं अक्टूबर में। ऐसी एक कंपनी है जिसका 21 अक्टूबर को रिजल्ट आउट हुआ और अच्छा रिजल्ट नहीं था वो, और इस रिजल्ट की वजह से शायद स्टॉक के परफॉर्मेंस पे प्रभाव आगे पड़े ना पड़े वो पता नहीं, लेकिन हमें उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है फंडामेंटली और टेक्निकली, ये अब हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी का नाम है JSW स्टील, जिसका मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके रिजल्ट निकाल दिया है, आप भी इस तरह से मनी कंट्रोल पे जाके वो देख सकते हो। देखो दोस्तों, रेवेन्यू में ग्रोथ है, अच्छी खासी ग्रोथ है रेवेन्यू में, कोई दिक्कत नहीं है उसे, और ऑपरेटिंग इनकम भी ठीक है, जैसे एक साइडवेज है, अच्छे है एवरेज है, और टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस भी अच्छे तरह है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये देखिए, अच्छी तरह से कंपनी ने एक्सपेंसेस भी कम करे, यहाँ पे देखिए अदर एक्सपेंसेस जो है वो लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में थे लगभग 8000 करोड़, और इस वक्त कंपनी ने कर दिए है वो 5000, मतलब 3000 करोड़ का उन्होंने रिड्यूसिंग कर दिया है अपने एक्सपेंसेस में, ये बहुत ही बढ़िया बात है कंपनी की। लेकिन दोस्तों, जब प्रॉफिट आफ्टर सभी टैक्स के आता है तो उसमें देखिए, लास्ट जो मतलब लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में वो था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5383 करोड़ प्रॉफिट था, और यहाँ पर आ गया है 910 करोड़ लॉस दिखाई दे रहा। तो देखिए दोस्तों, और साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर जो था वो 22.36 था लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में, और वो घट के अब -0.38 हो गया। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है दोस्तों? अर्निंग पर शेयर वो होता है कि कंपनी अपनी हर एक शेयर को उसके अर्निंग में से कितना हिस्सा दे रही है, ठीक है, कितना हिस्सा डिलीवर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो अब अगर उसे पर्टिकुलर यहाँ पे माइनस ही दिखा रहा है, तो अब
आपको क्या मिलेगा उस कंपनी से, बराबर है, ठीक है ना। तो ईपीएस जो था वो डिक्लाइन हो गया 22 से डायरेक्टली -0.38, मतलब एक से भी कम पे। अब कंपनी में ये सिचुएशन क्यों आई है ये जानना है, तो स्टील प्राइसेस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे घट चुकी है, 40% लास्ट अप्रैल के एंड से घट चुकी है, और इसके और साथ ही साथ एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, तो इस वजह से शार्प ड्रॉप हो गया है एक्सपोर्ट वॉल्यूम में कंपनी के, ठीक है। और पी जो है यहाँ पे 19.93 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बेसिकली पी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि पी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो बहुत डेंजरस होता है, मतलब ज़्यादा अगर पी है तो वो डेंजरस होता है। हाई पी का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उन्हें डाउन साइड के तरफ जीरो प्रोटेक्शन है, मतलब ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर 19.93 मतलब 20 रुपया है तो शेयर के 1 रुपए के लिए आप उस कंपनी को 20 रुपए दे रहे हो, आपकी कंपनी का शेयर 1 रुपया है तो उसके लिए मैं उस कंपनी को लेने के लिए मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर ना। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है हाई पी होना। जिस भी कंपनी का पी जो है वो 10 से कम है तो उसे एक हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, मतलब जिसका जिसका भी पी कम हो वो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, और इसी तरह के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिस्क मतलब हाई पी कहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए, जिस भी कंपनी का पी 20 से ज़्यादा हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमें अवॉइड कर देना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमें पी दिखाई दे रहा है वो है 19.93, मतलब लगभग हमें अवॉइड करने के जैसा ही है। इंडस्ट्री का पी 5.05 है, यहाँ पे पी रेशियो 19.93 है। अच्छी बात है कंपनी हमारे सभी जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें 19.93 मतलब सेक्टर से ज़्यादा रिटर्न दे रही है, वो जो सेक्टर दे रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है। यहाँ पे कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में CAGR 43% दिखाया दिया है, रिटर्न दिए हैं, अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अब एक और एक पॉइंट यहाँ पे था, PEG रेशियो होता है वो 0.46 है, अगर ये रेशियो 0.50 के नीचे होता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक अंडर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे PEG रेशियो अंडर वैल्यू दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आप इस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी प्राइस पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन हमें इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करनी है। क्योंकि क्यों कर नहीं करनी है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी तो है लेकिन राइट टाइम पे करनी है, और राइट टाइम पे करेंगे तो हम राइट टाइम पे एग्जिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का लॉस 9.15 है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, ओवरऑल ये सभी चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे हम इस नतीजे पे आते हैं फंडामेंटल्स के, कि अभी तो हमें इसमें बाय नहीं करना। तो अब हम टेक्निकल्स में चलते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्निकल का चार्ट है, मैंने कल आपको, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैंने इस वीडियो के एंड में स्विंग ट्रेडिंग का एक वीडियो भी जोड़ दिया है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको दिखा है कि मूविंग एवरेज किस तरह सेट करनी है टेक्निकल पे। ये एक वन डे का चार्ट है, यहाँ पे मैंने उसी तरह से मूविंग एवरेज सेट किया है, और वहाँ कल आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बताया था कि हमें कहाँ पे लेना चाहिए और कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे अब क्लबिंग हो चुका है तो नीचे की तरफ हुआ है, तो यहाँ से तो अब नीचे की तरफ ही आने वाला है, ठीक है। तो कहाँ तक आएगा उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक प्राइस का रेंज निकाल दिया है, प्राइस रेंज निकाल दिया है। 182 तक ऊपर चला गया था तो अब उसके आधा मतलब 91 तक तो आना चाहिए, लेकिन इस अभी 91 तक वो 2 बार आया है, यहाँ तक देखिए 91 तक आके ऊपर चला गया, मतलब ये टारगेट पूरा किया, इसका मतलब है कि अब वो ऊपर नहीं जा रहा है तो उसे नीचे आना है, और हम समझ लेते हैं कि वो कम से कम हमारा जो ये डिमांड जोन है, ठीक है, जहाँ पर उसने कितने बार टच किया था, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, कम से कम हम अब समझे कि ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो 550 से लेके 540 तक, ठीक है, और 520 पे उसका तो 52 वीक लो है,
तो यहाँ तो देखेंगे हम जब 550 540 पे आएगा, अगर वहाँ पे कुछ अच्छी पोजीशन बनती है, कुछ अच्छे सिग्नल्स देता है जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर जाने के, और उसके फंडामेंटल में भी कुछ सुधार दिखाए, कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आए, तब देखेंगे। अभी तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, हमें तो वेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी हो गया, टेक्निकल भी हमें बता रहा है कि कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने के चांसेस। तो दोस्तों आज आपको यहाँ पे ये समझ आएगा कि हमें किस तरह से ऐसी कंपनीज ढूंढनी है, किस साइट पे जाना है, क्या क्या देखना है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस की भी एक सीरीज जल्दी शुरू करूँगा, जैसे ही हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स के सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस पे भी वीडियोस की एक सीरीज शुरू करूंगा, जिससे आप पूरी तरह से, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, इस चैनल पे आने के बाद आप पूरी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाओगे, टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाओगे, कैंडलस्टिक एनालिसिस करना सीख जाओगे। आपको कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। बाहर अगर इन सभी कोर्सेस करना है तो 2-2.5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं, जो कि मैंने किए भी है। आपको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ हर रोज़ मेरा एक भी वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। बस यही काम करना है आपको, समझना है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उन सभी बातों को समझना है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे ही ये क्वार्टर ख़त्म हुआ है, जैसे मुझे समय मिलता जाएगा, मैं अलग अलग कंपनियों के रिजल्ट्स देख के, अलग अलग कंपनियों पर एक एक वीडियो आपके लिए डालता जाऊंगा। इससे आपकी समझ बढ़ेंगी कि हमें किस तरह से कंपनीज को एनालाइज करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट आप खुलवा सकते हो। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ पे जाके आप मुझसे डायरेक्टली DM भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।